क्या वेटिकन सिटी मूलतः एक शिवलिंग है जाने एक अनसुना रहस्य है? क्या वेटिकन सिटी भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर था? शायद हम इस संबंध में यकीनन कुछ न कह पाए, पर हाल ही में इतिहासकार पी एनो ने अपने शोध में यह दावा किया है। उनके अनुसार इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के यौगिक हैं तथा वेटिकन शहर के अलावा काबा और यहां तक कि ताजमहल भी मूलतः शिव को ही समर्पित मंदिर हैं। आज का यह लेख उनके शोध पर ही आधारित है। इस लेख में हम उनके द्वारा ईसाई धर्म के पवित्र शहर वेटिकन सिटी और शिवलिंग के बीच बताई गई अद्भुत समानताओं के बारे में बताएंगे, जो कि एक बार आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह दुनिया धर्म के एक मजबूत आधार पर खड़ी है और शायद इस बात में कोई संदेह नहीं कि धर्म ही है जो व्यक्ति को सही और संयमित जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिनकी मान्यताएं और आदर्श भी एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। मुख्यतः हम चार धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई से भलीभांति परिचित हैं। लेकिन अगर इतिहासकार पी एनोक की माने तो धर्म चाहे कोई भी हो, उसका उद्भव सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में से ही हुआ है। अपने दावों को आधार देने के लिए पी एनोक ने कई उदाहरण भी पेश किए हैं, जिनमें से रोम का वेटिकन शहर प्रमुख है। ओ का कहना है कि वेटिकन शब्द की उत्पत्ति हिंदी के वाटिका शब्द से हुई है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी को भी सनातन धर्म की कृष्ण नीति और अब्राहम को ब्रह्मा से ही लिया गया है। पी एनोक का कहना है कि इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्म वैदिक मान्यताओं के विरूपण से जन्मे हैं। वेटिकन शहर की संरचना और शिवलिंग की आकृति में एक गजब की समानता है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के पवित्र प्रतीक शिवलिंग और वेटिकन शहर के प्रांगण की रचना में अचंभित कर देने वाली समानता है। शिव के माथे पर तीन रेखाएं, त्रिपुंडर और एक बिंदु होती हैं। ये रेखाएं शिवलिंग पर भी समान रूप से अंकित होती हैं। ध्यान से देखने पर आपको समझ आएगा कि जिन तीन रेखाओं और एक बिंदु का जिक्र यहाँ कर रहे हैं, वे प्याजा सेंट पेट्रो के रूप में वेटिकन शहर के डिजाइन में समाहित है। इतिहासकार पी एनो के अनुसार वेटिकन शब्द को संस्कृत के वाटिका अर्थात वैदिक सांस्कृतिक केंद्र में से लिया गया है। इसका अर्थ है ईसाई धर्म के उद्भव से बहुत पहले ही वेटिकन यानी कि वैदिक केंद्र जैसे शब्द का अस्तित्व था। रोम के वेटिकन शहर में खुदाई के दौरान भी एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था, जिसे ग्रिगोरी अन एट्रुस्कैन म्यूजियम में रखा गया है। इतिहासकार पी एनो के अनुसार आरंभ में ईसाई धर्म भी एक वैदिक धर्म था जो कृष्ण नीति पर आधारित था। इसका नाम भी कृष्ण नीति ही था, जिसके बाद इसे अंग्रेजी के क्रिश्चियनिटी में ढाला गया। इन सब के अलावा इस्लाम और ईसाई के धर्म के लोग जिस आमीन को अपनाते हैं, वे भी ब्रह्मांड के सुर ओम का ही एक रूप है।